हमीरपुर में एक दबंग ने चौकी इंचार्ज को गोली मारी है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। और वारदात के बाद से पुलिस की कई टीमों ने दबंग की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिले के पतारा गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दबंग तमंचे के दम पर दबंगई करता दिखाई दे रहा था। और तब चौकी इंचार्ज ने 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन झाड़ी में छिपे बदमाश ने दारोगा को गोली मार दी थी और फरार हो गया था। कल थाना पुरारा के गांव पदारा में एक घटना हुई थी, जिसमें कि शंभू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा चौकी इंचार्ज पदारा पर फायर किया गया था, जो जिसमें गोली उनके बाएं हाथ में लगी थी। उसके लिए उनको उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया था। पुलिस के द्वारा रात भर कमरे में ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके चलते सुबह 3 बजे पर शंभू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस मुठभेड़ के दौरान, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उसके पास से वो तमंचा भी बरामद किया गया है, जिससे उसने फायर किया था। पूरे घटनाक्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो उसमें कराई जाएगी।